हेलो स्टूडेंट्स, ये मेरा एक और वीडियो है नेशनल इनकम चैप्टर का वैल्यू एडेड मेथड के ऊपर। ठीक है, इससे पहले इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड का मैं वीडियो शेयर कर चुका हूँ जिसमें मैंने कंपोनेंट्स को ब्रीफली एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इसमें मैं वैल्यू एडेड मेथड को एक्सप्लेन करूँगा कैसे वैल्यू एडेड मेथड से जो है नेशनल इनकम कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, डीप एक्सप्लेनेशन मैं ऑलरेडी क्लास में दे चुका हूँ, मैं फिर बताऊँगा। मेरा जो ये वीडियोज़ है ये आपका रिविजन के लिए है। ठीक है, ताकि आपके मोबाइल पर रहे और आप कभी भी अगर इनके बारे में जानना हो तो आप एक बार खोल के देख सकते हैं, कम टाइम में आपका ये रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी मैं मेथड को प्रॉपरली एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, बट आई होप आपको ये पता होना चाहिए कि वैल्यू एडेड का मीनिंग क्या है। ठीक है, वैल्यू एडेड का मीनिंग क्लियर होने से ही आप जो है इस मेथड को समझ पाएंगे। तो इसको भी मैं बता देता हूँ कि वैल्यू एडेड का मीनिंग क्या है। जैसे कि मान लीजिए जो आटा मिल है ना, या फ्लोर मिल जो है, फ्लोर मिल के ओनर फ्लोर को बनाने के लिए क्या खरीदेंगे? ऑब्वियसली राइस या गेहूँ वो खरीदेंगे, उसको फिर वो फ्लोर में चेंज करेंगे। ठीक है, तो व्हीट वो खरीद रहे हैं मान लीजिए 500 रुपीज़ का। ठीक है, और इस व्हीट को फ्लोर में चेंज करने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा? कुछ प्रोडक्टिव सर्विसेज इसमें करना पड़ेगा, है ना। प्रोडक्टिव सर्विसेज, प्रोडक्ट सर्विसेज मतलब व्हीट को फ्लोर में चेंज करने के लिए उनको मशीन लेना पड़ेगा, वो जो चक्की होता है आटा चक्की टाइप ऑफ मशीन ही है उसको खरीदना पड़ेगा, उसमें उनको एक लेबर लगाना पड़ेगा, है ना, एक सेटअप दुकान बनाना पड़ेगा। तो ये सब करने में उनका कुछ खर्चा आएगा। तो वो खर्चा जो है ये पहले तो उन्होंने व्हीट खरीद लिया 500 का, फिर इसको आटा में चेंज करने के लिए कुछ प्रोडक्टिव सर्विसेज वो कर रहे हैं। तो ये जो प्रोडक्टिव सर्विसेज कर रहे हैं इसका भी कुछ ना कुछ कॉस्ट आएगा। जैसे कि एक लेबर उन्होंने लगाया है तो उसका कुछ ना कुछ कॉस्ट रहेगा, एक मशीनरी वो खरीद के लगा रहे हैं उसका भी कुछ ना कुछ कॉस्ट रहेगा। तो ये सारा कॉस्ट मिलके जो है अल्टीमेटली जब ये फ्लोर बन के निकलेगा, ये 500 वाला जो व्हीट है ये और 500 का नहीं रहेगा, ये कुछ 1000 या 1500 में चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 500 का इन्होंने खरीदा था, उसके बाद इन्होंने इस गुड्स को जो है दूसरे फॉर्म में चेंज कर दिया है इस अपने प्रोडक्टिव सर्विसेज के जरिए। तो ये 500 का बढ़ के कितना हो गया? 1500 हो गया। तो इसमें वैल्यू एड कितना हुआ है? वैल्यू एड हुआ है 1000 का। 500 का गुड था, इसमें जो ये फ्लोर मिल ओनर है इन्होंने प्रोडक्टिव सर्विसेज करके 1000 का वैल्यू एड कर दिया। ठीक है, तो इसी तरह से जो है वैल्यू एडेड हर एक जो प्रोड्यूसर है उनका वैल्यू एडेड को हम इसमें कंसिडर करेंगे टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम। फिर ये फ्लोर मिल से कहाँ चला जाएगा? ब्रेड बनाने की कंपनी में चला जाएगा। ब्रेड बनाने की कंपनी इसको 1500 में खरीद रहे हैं फ्लोर से, तो 1500 में ही नहीं बेचेगी, उसका वैल्यू फिर बढ़ जाएगा क्योंकि उन्होंने भी कुछ ना कुछ प्रोडक्ट सर्विस किया होगा, तो उसका भी वैल्यू उस समय जो है बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये जितना वैल्यू ऐड हो रहा है हर एक प्रोडक्शन लेवल पे इसी को वैल्यू एडेड कहते हैं, और लास्ट में ये सारे वैल्यू एडेड को जो है ऐड करके ये निकाला जाता है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। ठीक है, और ये ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस ही क्या होता है? GDP एट मार्केट प्राइस होता है। ठीक है, तो ये तो था वैल्यू एड का कंसेप्ट, मैंने ये ब्रीफली एक्सप्लेन करने का कोशिश किया है। अब समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके या फिर मैसेज करके मेरे को बता सकते हैं, मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, बट इस ये वीडियो क्योंकि सिर्फ मेरे को वैल्यूएटेड मेथड एक्सप्लेन करना है तो इसलिए इस पे मैं ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दे रहा हूँ, मैं अभी मेथड आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो वैल्यू एड का हर समय याद रखिएगा, जो वैल्यूएटेड होता है वो होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, तो शॉर्ट में मैं इसको ICIC लिखता जाऊंगा, मैं इस बार फुल में लिख दिया। तो ये वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन कैसे आया? पहले जो भी मैंने एग्जांपल दिया था उसी की बात करता हूँ। तो जो फ्लोर मिल ओनर है उन्होंने जो अपना आउटपुट बताया था वो कितना बताया था? उन्होंने 1500 किया था, है ना, और सामान कितने का खरीदा था उन्होंने? 500 का सामान खरीदा था। जो व्हीट खरीदा था वो 500 का था, तो ये दोनों को माइनस करने पर जो आ रहा है वैल्यू 1000, ये तो वैल्यू एडेड हमारा है ना। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है? जो टोटल प्रोडक्शन होता है।
वो हो जाता है वैल्यू ऑफ आउटपुट। और इंटरमीडिएट कंजम्पशन, जितने का हम जो है रॉ मटेरियल खरीदते हैं या प्रोडक्शन करने के लिए जो चीज़ें चाहिए होती है हमको, जिसको हम आगे सेल करते हैं प्रोडक्शन करके, ठीक है। जैसे मशीनरी भी चाहिए होता है, लेकिन मशीनरी को हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं ले सकते क्योंकि वो आगे सेल नहीं होता है, वो जस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प करते हैं। जैसे रॉ मटेरियल हो गया, इसको हम इसका फॉर्म इसको प्रोसेस करके दूसरे प्रोडक्ट में चेंज करके आगे सेल कर देते हैं, तो वो हमारा इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो जाएगा, ठीक है। तो वैल्यू एडेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो ये हो जाएगा 1000 रुपीज़ हमारा वैल्यू एडेड। तो ये तो हमारा बेसिक फॉर्मूला हो गया कि वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब इंटरमीडिएट कंजम्पशन में क्या आएगा, इंटरमीडिएट में कंजम्पशन में आ जाता है डोमेस्टिक परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स प्लस हम जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन है वो हम अपने कंट्री से भी खरीद सकते हैं, तो वो डोमेस्टिक परचेज हो जाएगा, प्लस हम जो है उसको इंपोर्ट भी कर सकते हैं। तो इसीलिए क्वेश्चन में अगर आपको डोमेस्टिक परचेज बोल के दिया रहेगा तो उसके साथ इंपोर्ट को जो है ऐड करना पड़ेगा। ये हो जाएगा हमारा इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है। और वैल्यू ऑफ आउटपुट को हम क्या लिख सकते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब जितना हमने प्रोडक्शन करके आगे सेल करना है वही हो जाता है हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स हो जाएगा, ठीक है। और ऐसा ज़रूरी नहीं कि जितना हमने प्रोडक्शन किया है वो पूरा का पूरा सेल हो रहा हो, कुछ ना कुछ स्टॉक में भी रहता होगा, तो इसीलिए वैल्यू ऑफ आउटपुट को सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक भी कर हम बोल सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए चेंज इन स्टॉक कुछ है ही नहीं, जीरो है, तो ऑब्वियसली पूरा का पूरा जो सेल वैल्यू है वही हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट हो जाएगा, ठीक है। और सेल को हम वापस से क्या लिख सकते हैं, सेल को हम लिख सकते हैं क्या, क्वांटिटी इंटू प्राइस पर यूनिट, ये हो गया सेल का प्राइस पर यूनिट, ठीक है। और चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। तो यही है वैल्यू एडेड मेथड का जो फॉर्मूला, बस इतना सही है। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस, पहले तो हमको वैल्यू एड निकालना है जो कि वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है। वैल्यू ऑफ आउटपुट अगर आपको दिया है तो वेल एंड गुड है, आप उसी को डाल दीजिए। नहीं दिया तो आपको इस फॉर्मूला से निकालना है कि सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, ठीक है। सेल्स कैसे निकलेगा फिर, अगर सेल्स वॉल्यूम नहीं दिया तो सेल्स को निकालने का फॉर्मूला होगा कितना क्वांटिटी सेल है, कितना यूनिट सेल किया है इंटू प्राइस पर यूनिट। जैसे मान लीजिए कि 100 यूनिट सोल्ड किया है और हर एक यूनिट का 10 रुपीज़ करके है, तो ये जो सेल्स हो जाएगा ये 1000 यूनिट्स मतलब रुपीज़ 1000 हो जाएगा, ठीक है। फिर साथ में इसका चेंज इन स्टॉक को ऐड कर देना है, चेंज इन स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में दिया रहेगा, माइनस करके इसको ऐड कर देंगे तो यहाँ से वैल्यू ऑफ आउटपुट निकल जाएगा। फिर क्वेश्चन में आपको इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया रहेगा, अगर ये डायरेक्टली इंटरमीडिएट कंजम्पशन ना दिया है तो इस तरह से दिया रहेगा कि परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। और परचेज ऑफ रॉ मटेरियल अगर दिया हुआ है तो वो भी हमारा इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, लेकिन ध्यान रखिएगा परचेज के साथ अगर डोमेस्टिक वर्ड मेंशन है इसका मतलब अगर क्वेश्चन में इंपोर्ट दिया है तो आपको इंपोर्ट को भी ऐड करना है, ठीक है। तो जब इसको आप कर लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, वैल्यू एडेड, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। तो ऐसे इकोनॉमी में या कंट्री में जितने भी फॉर्म्स है वो सबका वैल्यू एडेड को जब हम ऐड कर देते हैं तो वो निकलता है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। और इसी ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस को ही हम क्या बोलते हैं, GDP एट मार्केट प्राइस, ठीक है। तो GDP एट मार्केट प्राइस को अगर बोला है कि कैलकुलेट नेशनल इनकम, तो GDP एट मार्केट प्राइस को फिर हमको किस में चेंज करना होगा, NNP एट फैक्टर कॉस्ट। तो कैसे चेंज होगा NNP एट फैक्टर कॉस्ट में, GDP एट मार्केट प्राइस देखते हैं, मार्केट प्राइस इज इक्वल टू इसको सॉरी प्लस इसको क्या करना है हमको, चेंज करना है NNP एट फैक्टर कॉस्ट में, ठीक है। प्लस नहीं होगा सॉरी, ग्रॉस टू नेट में जाएगा, तो इसका मतलब माइनस डिप्रिसिएशन होगा, ठीक है। फिर ये जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है ये नेशनल प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा, मतलब माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। और ये जो मार्केट प्राइस है फैक्टर कॉस्ट में चेंज होगा, तो माइनस NIT। अब ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, NIT, डेप्रिसिएशन, ये सब क्या है, ये सब आपको मालूम होना चाहिए तभी आ जाके आप इसको समझ पाएंगे, ठीक है, इस वीडियो का समझ पाएंगे। तो मतलब वैल्यू एडेड मेथड को समझने के लिए आपको पहले से जो है पता होना चाहिए वो क्या, कंसेप्ट ऑफ वैल्यू एडेड, कि वैल्यू एडेड एक्चुअली क्या है, मैंने छोटा छोटा करके एक्सप्लेन करने की कोशिश किया इस वीडियो में। उसके बाद आपको
स्टॉक के बारे में पता होना चाहिए एंड ये सब तो पता होना ही चाहिए कि व्हाट इज जीडीपी एट मार्केट प्राइस, व्हाट इज एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, तभी जाके आप इसको इजीली कर पाएंगे। ठीक है, तो ये जो ये कैलकुलेट करने के बाद हमको क्या मिल जाएगा, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, तो याद रखिएगा कि वैल्यू एडेड मेथड से कैलकुलेट करने पे डायरेक्टली नेशनल इनकम नहीं आएगा, पहले जीडीपी एट मार्केट प्राइस आएगा, फिर इस जीडीपी एट मार्केट प्राइस को एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट में चेंज करना है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो से कुछ हेल्प होगा आपको रिवीजन करने में, जब भी आप मतलब क्विक रिवीजन करना हो तब, क्योंकि उस समय काफ़ी बार होता है कि ऐसे बुक में ढूंढ ढूंढ के पढ़ने में थोड़ा लेट होता है, तो आप इसको सेव करके रखिएगा मोबाइल में, जब भी आपको क्विक रिवीजन करना हो आप इस वीडियो को निकाल के, यानी कि आप तीनों वीडियो को जो है नेशनल इनकम का, मैंने जो तीनों फॉर्मूला या तीनों मेथड बताया है तीनों को एक साथ रखिएगा, तो रिवीजन करने के टाइम पे तीनों एक साथ हो जाएगा, और बहुत ही ब्रीफली मैंने एक्सप्लेन किया, ज़्यादा टाइम भी इसमें नहीं लगेगा। ठीक है, इकोनॉमिक्स के और भी टॉपिक्स के ऊपर मैं वीडियो ऐसे बनाकर आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा ताकि रिवीजन करने में आसानी हो, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों के पास टाइम काफ़ी कम रहता है और पढ़ाई का प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है, तो इसमें अगर मैं कुछ हेल्प कर पाऊँ तो मुझे अच्छा लगेगा।